to Mummy ka magic. अगर बच्चे फ्रूट्स खाने से कतराते हों, तो हर माँ का सलूशन होता है फ्रूट्स को फ्रूट जूस में बना देना। और आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम उस फ्रूट जूस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फ्रूट्स के गुणों को मिलाएंगे और उसे देंगे एक अनोखा ट्विस्ट। तो चलिए बनाते हैं ट्रिपल फ्लेयर। इस जूस में हम यूज करने वाले हैं पाइनएप्पल्स, कीवीज एंड स्ट्रॉबेरीज। ये तीनों ही अनोखे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभदायक फ्रूट्स होते हैं। वैसे तो सभी फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को यूज करने में ज्यादा मजा आता है। यूजुअली बच्चे पाइनएप्पल या फिर कीवी ऐसे ही खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इन्हें यूज करते हैं हम इस मजेदार जूस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काट लेंगे थोड़े से पाइनएप्पल्स। उन्हें आप रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में डालना है। ये कट गए हमारे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज फुल ऑफ विटामिन सी। और अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बोल में। ओके, ये कट गए पाइनएप्पल्स। नाउ लेट्स चॉप सम कीवीज। काट लीजिए और फिर छुरी की ही हेल्प से आप इसे पील कर लीजिए। ये दिखने में इसका जो सरफेस होता है वो बड़ा रफ होता है, बट जब आप पील करना स्टार्ट करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि इट्स रियली स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड वेरी इजी टू पील। कीवीज इंडिया में नहीं उगते हैं, ये इंपोर्टेड होते हैं, पर बड़ी आसानी से आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और इसे भी अब चॉप कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो बीज हैं ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, और ये बीज कभी निकाले नहीं जाते। बहुत ही जूसी फ्रूट होता है। ये कट गए हमारे कीवी। अब इन्हें भी आप एक दूसरे बोल में निकाल के रख लीजिए। अगर कीवी आपको ना मिले तो आप कीवी के बदले में ग्रीन ग्रेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काट लेते हैं सबका फेवरेट एंड स्पेशली मेरा स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी के जो लीव्स हैं वो आप निकाल दीजिए। इन्हें अब हम चॉप कर लेंगे। ये कट गए हमारे स्ट्रॉबेरीज। अब कटिंग तो हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं ग्राइंडिंग। सबसे पहले हम लेंगे पाइनएप्पल और उन्हें एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब वैसे तो ये रेसिपी काफी आसान है, लेकिन इसमें एक चीज ट्रिकी है। हम जो तीन फ्रूट्स को ग्राइंड करने वाले हैं, उन्हें हम अलग अलग मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे, बिकॉज हम एक दूसरे के कलर्स को मिक्स नहीं करना चाहते हैं। वी आर गोना मेक इट लेयर्ड, वॉच इट। ओके, इसमें अब पाइनएप्पल डल गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश्ड आइस एंड ग्राइंड कर देंगे। सो जस्ट वेट टिल आई गेट माय आइस। नाइस एंड क्रश्ड आइस। थोड़ा सा लेते हैं क्रश्ड आइस और डाल देते हैं पाइनएप्पल्स में। बस ज्यादा नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ज्यादा ठंडा बच्चों को नहीं दे सकते हैं। लेट्स ग्राइंड। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ग्राइंड हो गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं एक सेपरेट ग्लास में। नाइस एंड थिक पाइनएप्पल जूस विद द एंटायर पल्प। तो ये बहुत हेल्दी है, बिकॉज हम इसे छान नहीं रहे हैं। अब इस जार को हटा देते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे जार में, जिसमें मैं डालने वाली हूँ कीवी। इसमें डालते हैं थोड़ा सा क्रश्ड आइस। एंड लेट्स बिगिन। Wow, look at that color. Isn't it beautiful? अब इसे निकाल लेते हैं हम हमारे दूसरे ग्लास में। Quantity same होनी चाहिए, अगर कम लगे तो हम बाकी का भी कीवी ग्राइंड कर लेंगे। But I think it's just perfect. Okay, अब इसे हटा देते हैं। And let's use the third jar. अब तीसरे जार में आप डालिए आपके कटे हुए स्ट्रॉबेरीज। अब इसमें आप डालिए थोड़ा सा आइस।
इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। Yummy, isn't it looking yummy already? Nice red strawberries. इन्हें भी अब हम निकाल लेंगे हमारे तीसरे ग्लास में। मैंने तीन डिफरेंट जार्स यूज किए हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप एक ही जार को बार बार धो के यूज कर सकते हैं। Let's take a nice tall glass. और अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पाइन एप्पल जूस। Okay. अब इसमें हम डालेंगे कीवी जूस, पर इसे हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे, बिकॉज अगर हमने डायरेक्टली पोर किया तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो इसे इस तरह से आप हल्के से पोर कीजिए, ताकि वो जस्ट पाइनएप्पल जूस के ऊपर जाके सेटल हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे करने में, बट ट्रस्ट मी, जो फाइनल लुक होगा वो बहुत ही अपीलिंग होगा, एंड बच्चे इसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। लास्ट देयर, ओके। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी जूस की। सो अगेन वी आर गोना यूज अनदर स्पून, बिकॉज अदरवाइज कलर्स फिर से मिक्स हो जाएंगे। सेम तरीके से आप उसे कीवी जूस के ऊपर डालिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पोर करेंगे तो वेट की वजह से वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी और सब कलर्स मिक्स हो जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? बिकॉज वी आर मेकिंग ट्रिपल फ्लेयर। तो इसके ये तीन लेयर्स हमें दिखने चाहिए। सो ये अब तैयार हो गया। अब लेते हैं थोड़े से मिंट लीव्स और इस तरह से इसे लगाते हैं, एंड द ट्रिपल फ्लेयर इज रेडी। देखिए, है ना ये हेल्दी और इतना अट्रैक्टिव। इसके तीन लेयर्स जैसे ही बच्चे देखेंगे, whether they like the fruit or not, trust me, इसे फटाफट फटाफट पी जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी का एक क्विक रीकैप। ट्रिपल फ्लेयर बनाने के लिए 2 कप पाइन एप्पल्स, 1 कप कीवी, 1 कप स्ट्रॉबेरीज को रफली चॉप कर ले। अब रफली चॉप पाइन एप्पल को ग्राइंडर में ग्राइंड करके ग्लास में निकाल ले। इसी तरह से रफली चॉप्ड कीवी और रफली चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज को अलग अलग ग्राइंड करके सेपरेट ग्लासेस में निकाल ले। फिर एक लंबे ग्लास में बेस पर पाइन एप्पल जूस को पोर कर ले। फिर एक चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे साइड से पाइन एप्पल जूस के ऊपर कीवी जूस को डाल दे। फिर इसी तरह कीवी जूस के ऊपर स्ट्रॉबेरी जूस को डाल दे। अब मिंट लीव से डेकोरेट करके सर्व कर दे। ये ट्रिपल फ्लेयर देखने में तो रंग बिरंगी है ही, साथ ही इट्स पैक्ड विद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ फाइबर, जो आपके बॉडी को रखता है हेल्दी और फिट। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ माँ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, राइट? फिलहाल मम्मी का मैजिक में आज के लिए बस इतना ही, बट मैं जल्द ही वापस आऊंगी विद लॉट्स मोर रेसिपीज, लॉट्स मोर फन एंड लॉट्स मोर मैजिक। अब आज का कॉन्टेस्ट सवाल, ट्रिपल फ्लेयर को मैंने किस लीव्स के साथ गार्निश किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बे लीफ, बी करी लीव्स, या फिर सी मिंट लीव्स। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, ट्रिपल फ्लेयर को मैंने कौन से लीव्स से गार्निश किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बे लीफ, बी करी लीव्स, या फिर सी मिंट लीव्स। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए MKM स्पेस सही जवाब का ऑप्शन यानी ए बी या सी, और भेज दीजिए SMS के द्वारा हमें उस नंबर पर जो आपके TV स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। And do it soon, because I'm waiting for the right answer. तब तक आप अपने फीडबैक और सुझाव मुझे लिखते रहिए on mummykamagic@foodfood.com पर। और आज की रेसिपीज के अलावा अगर आप और भी एक्साइटिंग रेसिपीज, मजेदार और इनोवेटिव रेसिपीज सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज लॉग ऑन कीजिए www.foodfood.com पर।